अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अरसलान, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो सर, बात कुछ इस तरह से है, जैसे कि देख सकते हैं कि आज प्रैक्टिस है, मैच नहीं है, प्रैक्टिस है। मैच शायद अगले वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिस पे जाना है। काफ़ी देर बाद, तकरीबन 4-5 महीने बाद जा रहे हैं। आवाज़ भी डाउन लग रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तो बस कैप्टन लेने आ रहे हैं, तो बस जाना है। तो जी देखिए जी, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल की टोपी है लेकिन गुजारा करेगी। तो अब मैं तो फुल रेडी हूँ, अपन तो फुल रेडी है, अभी इंतज़ार हो रहा है कैप्टन का। 7:20 का टाइम दिया था, टाइम ऊपर हो गया, आ रहे होंगे, तो बस फिर निकलना है। तो अभी कैप्टन की कॉल आई है, वो कह रहे हैं जी कि वो 5-10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वेट। वे कैमरे लगी
तो जी अब हम घर आ गए हैं, हम मनी मतलब मैं घर आ गया हूँ, कैप्टन को चोट लग गई थी, पाँव पे बॉल लग गई, वो वापस आ गए, तो मैं जो दूसरे दोस्त आए हुए थे उनके साथ वापस आया हूँ। तो ये सामान कैप्टन मुझे ही दे गए हैं, किट सारी, इसको अपने पास रखना पड़ेगा। बाकी यार आज क्या बैटिंग की है प्रैक्टिस में, पर फिर अपना मैं थोड़ा सा सेट होकर बात करता हूँ क्योंकि अभी गर्मी बहुत थी। तो मिलते हैं फिर। तो जी अब मैं फ्रेश हुआ हूँ और ओवरऑल आज की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि जी आज हमने प्रैक्टिस के लिए जाना था तो हम गए तोखनी। लिमासोल के अंदर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है प्रॉपर, तो ग्राउंड है हैप्पी वैली में, वो रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर मतलब रीसीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं जा सके। बेसिकली सीसीए का जो ऑफिशियली ग्राउंड है ना वो तोखनी वाला ही है, नया तैयार हुआ है तो वो अभी सीसीए के अंडर है सिर्फ, तो इसलिए वो हमारा होम ग्राउंड भी कह लो। और वो ग्राउंड शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर। उधर गए, वहाँ पर जी प्रैक्टिस की, तो हम ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं आए, तो टोटल हम 5 लोग थे। बैटिंग प्रैक्टिस की खाली, बॉलिंग और बैटिंग, मतलब बैटिंग कर रहे थे पहले कैप्टन, तो उनको अभी दूसरी बॉल ही ना उनको टखने पे लग गई इन स्विंगिंग यॉर्कर मारा उसने शर्मा ने, लग गई। पहले तो इतना फील नहीं हुआ, उन्होंने 2-3 ओवर खेले उसके बाद ज़्यादा ही हो गया, तो जी वो तो वापस आ गए। हम खेलते रहे थोड़ी देर फील्डिंग, अब इतने बड़े ग्राउंड में एक बॉलर, एक बैट्समैन, एक कीपर और सिर्फ एक फील्डर, अब वो बेचारा क्या क्या करता। मैंने तो कीपिंग ली हुई थी भाई आज मैं तो विकेटों के पीछे खड़ा रहा, कीपिंग करता रहा बस, पहली दफ़ा की वैसे। तो उसके बाद बैटिंग की और काफ़ी टायरिंग दिन था, एक तो काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 3-4 महीने बाद खेल रहे थे हम, 3-4 महीने बाद, ऊपर से इतनी गर्मी और ऊपर से कम अज़ कम हम तकरीबन 40 से 50 ओवर हमने फील्ड में गुजारे, 40 से 50 ओवर, क्योंकि ये 40 ओवर गेम है आगे सीज़न जो आ रहा है नया, तो इसलिए प्रिपेयर कर रहे थे। इंशाल्लाह आगे से हम डेली बेसिस पे, डेली तो नहीं मतलब वीकली हम ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस वगैरह के लिए जाया करेंगे, क्योंकि अब बहुत पीछे हैं, एक तो ये पेड़ निकल रहा है, थकावट और सुस्ती ये वो ख़त्म करने के लिए संडे को, अब हर रोज़ हर संडे को हम जाया करेंगे। तो जी ये था मेरा संडे आज का, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं चला गया, वरना इधर लेट लेट के ना मैं अक गया था। तो काफ़ी अच्छा दिन था, बैटिंग की, हाँ 2-3 शॉट तो ऐसी खेली कवर पे, ऐ फुल गोली वाली फील आ रही थी, क्या बात, बाहर निकल के फ्रंट फुट पे, वो शूट नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सका लेकिन अच्छी थी। बस आज का यही दिन था, अब आगे शाम को जॉब पे जाना है, अभी खाना खाना है, बस यही था। अगर मतलब कि आज 4-5, 3 या 4 लोग और होते ना तो खेलने का अपना ही मज़ा आना था, क्योंकि फील्ड में आसानी होनी थी, क्योंकि जो हमारा नेट है ना, जो नेट पिच है नेट में, वो थोड़ी सी ख़राब है अभी, वो ठीक हो जाएगी फिर तो कोई मसला नहीं है, 2 लोग भी आराम से खेल सकते हैं, बॉलर और बैट्समैन, कीपर की भी फील्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फील्ड में खेल रहे हैं पूरे प्रॉपर पिच पे, मेन पिच पे, तो आपको प्रॉपर फील्डिंग चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ग्राउंड में ये कौन सा भी टेप बॉल है, हार्ड बॉल है, एज लग के वो जा रहा है बाहर, तो ये सब चीज़ें तो ध्यान में रखनी पड़ती हैं ना। तो अभी पहला हमारा ये ट्रेनिंग मतलब कि प्रैक्टिस सेशन था, तो अभी लड़के आएंगे इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, गेम्स भी शुरू हो रही हैं, लेकिन अब प्रॉपर गेम करनी है, अभी क्रिकेट को भी टाइम देना है, एक दिन होता है यार वीक में, उसको थोड़ा 2-3 घंटे सुबह वाले, बाकी ठीक है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए सेम ड्रिल, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਾਰ ਅਫਰੀਦੀ ਫਰੂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੜੇਜਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਓਹੋ ਜੜੇਜਾ ਬੈਟ ਘੁਮਾ ਲਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੈਸੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਜ ਬਤਾਓ